हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को विजयदशमी की, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटी सी सुबह सुबह सोचा आप लोगों को जल्दी से दशहरे की शुभकामनाएं दे दूं, और साथ ही साथ बता दूं कि जो बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं, जो बाय चांस ऐसा है छोटे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता हम दशहरा क्यों मनाते, तो आप सभी जानते हैं वैसे, फिर भी मैं थोड़ा सा दशहरे के बारे में बताना चाहूँगा, विजयदशमी के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले एक तो आप ये जानते ही हैं कि आज के दिन श्री राम ने, राम जी ने रावण का वध किया था, बुराई पर अच्छाई की जीत की थी, इसलिए हम लोग विजयदशमी मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। साथ ही साथ आज के दिन नौ दुर्गे हमारे पूरे होते हैं, क्योंकि नौ रात और दस दिन के युद्ध के बाद देवी माँ ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, जिसके कारण हम लोग आज विजयदशमी मनाते हैं। आज के दिन शस्त्र पूजा की जाती है, आज के दिन जितनी भी किताबें हैं उसकी पूजा की जाती है, पढ़ाई की पूजा की जाती है, और कहा जाता है कि आज के दिन किए गए सभी कार्य शुभ होते हैं। तो जो भी पहले पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, वो सभी आज ही के दिन युद्ध के लिए निकला करते थे, अपने शस्त्रों की पूजा किया करते थे। तो आप सभी से छोटी सी विनती है कि आप सभी लोग, और साथ ही साथ आज के दिन 10 पाप जो होते हैं, काम, क्रोध, आलस्य, अहिंसा, मद, मोह माया, इन सबसे दूर, इन सबको, आलस्य को, क्रोध को, इन सबको छोड़ने का कष्ट करते हैं। तो आप सभी लोग क्या करिएगा कि आज एक तो पढ़ाई करिएगा थोड़ी बहुत, क्योंकि आज के दिन जो भी काम करते हैं वो अच्छा होता है ऐसा माना जाता है, क्योंकि आज के दिन श्री राम ने रावण को जब हराया था, तो आपको बताइए कि कैसे हुआ था। तो अलग अलग जगह आपको बताया कि हर शहर में मेले लगते हैं, मेलों में झूले लगते हैं, और साथ ही साथ रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ का इनका पुतला बनाया था, पुतला बना के फूंका जाता है। तो एक छोटी सी सीख और कि आपको बताया ना, रावण बहुत ही ज्ञानी था, बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं कि ज्ञान था, उसके कहने से सूरज उगता था, उसके कहने पे छुप जाता था, सब कुछ उसके अंडर में था, उसके बावजूद वो मारा गया। क्यों मारा गया? सिर्फ इसलिए मारा गया, दो तीन रीजन है। एक तो सिंपल सी बात कि उसने जो किया वो गलत था। तो एक तो कभी भी किसी स्त्री का आप अपमान ना करें, किसी पराई स्त्री पर नजर ना रखें, अगर आप अपमान करते हैं तो उसने बस एक ही गलती करी थी, चाहे वो कह सकते हो कि उसको पता था कि मेरे साथ ये होगा, अपनी इच्छा मृत्यु ले निकले, उसने ऐसा किया, लेकिन किया। और कभी भी आप किसी स्त्री का अपमान करेंगे तो आपका बुरा होगा, ये निश्चित है। तो आप लोग सभी बुराई का रास्ता छोड़िए, हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलिए। दीपावली आने वाली है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं, और दशहरे की वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी काम आज स्टार्ट करें, आपका काम शुभ हो, मंगल हो और सही हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो आप सभी को दोबारा से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।